कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण सामाजिक दूरी का पालन करते हुए इस वर्ष भी जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया जाएगा। वहीं इस बार मंदिरों, पुलिस लाइन तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर समूह में कार्यक्रम नहीं होंगे। मंदिरों में सिर्फ पुजारी पूजा करेंगे और जन्माष्टमी मनाएंगे। साथ ही गृहस्थ अपने अपने घरों में जन्माष्टमी मनाएंगे और झांकियां सजाएंगे। महिलाएं कृष्ण के जन्म के बाद सोहर गाकर खुशियां मनाएंगी। आपको बता दें, जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। दशकों से जन्माष्टमी के दिन गोरखपुर के प्रमुख मंदिरों पर राधा कृष्ण की झांकियां सजाई जाती हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही गोरखपुर पुलिस लाइन, रजही RPF कैंप, रेलवे PSC ग्राउंड और जलकल में जन्माष्टमी के दिन भव्य झांकियां सजाई जाती हैं। बड़ी संख्या में लोग इन स्थलों पर राधा कृष्ण की झांकियां देखने पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। वहीं सभी थानों पर जन्माष्टमी मनाई जाती है। पुलिसकर्मी बड़े उत्साह से सांस्कृतिक आयोजन भी करते हैं। इस बार SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस लाइन तथा थानों पर सामूहिक रूप से जन्माष्टमी पर आयोजन नहीं किए जाएंगे। हर साल जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। हालांकि इस साल मंदिर में केवल पूजा अर्चना की जाएगी, सिर्फ पुजारी ही मंदिर में जन्माष्टमी मनाएंगे। गृहस्थों से गुजारिश की जा रही है कि वे अपने अपने घरों में राधा कृष्ण की झांकियां सजाएं और जन्माष्टमी मनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, जन्माष्टमी के लिए भी जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन है और DM साहब ने 4 थाना क्षेत्रों में जो है लॉकडाउन घोषित किया हुआ है, केवल सरकारी कार्यालय और वित्तीय संस्थान, बैंक इत्यादि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें वगैरह खुली हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए जो पूरी तरह से कोरोना का जो प्रसार बढ़ता जा रहा है, जन्माष्टमी के लिए भी यही गाइडलाइन है कि लोग अपने अपने घरों में त्यौहार मनाएं। सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रम करने की कोई इजाज़त नहीं दी गई है फिलहाल, और सभी तरह के कार्यक्रम जो है अपने मंदिरों में मनाए जाएं। और पुलिस लाइन में भी इस सिलसिले में जो पुलिस स्टाफ है वहाँ का और जो पुजारी है, वो लोग जन्माष्टमी की परंपरागत ढंग से मनाई जाएगी, लेकिन कहीं भी भीड़ नहीं होने दी जाएगी और लॉकडाउन के नियमों के तहत ही सभी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सब थानों के लिए जन्माष्टमी, थानों के लिए भी यही गाइडलाइन है कि जो लॉकडाउन के नियमावली है जिसमें कहीं भी भीड़ नहीं होने देना है, और उसके अंतर्गत जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करते हुए और जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही जो है जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा।